Yes. Very good morning, students. Last वाली class में हमने topic शुरू किया था movement of earth, पृथ्वी की गतियाँ. और हमने discuss किया that earth has two types of movement, पृथ्वी की दो तरह की गतियाँ होती है. First is rotation, second is revolution. फिर हमने देखा rotation is what? That type of movement in which earth is rotating at its own axis. घूर्णन गति वह गति है जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है. एंड रिवोल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है. ठीक है, फिर हमने इसका टाइम पीरियड डिस्कस किया था कि कितनी देर में धरती अपनी धुरी पर घूमती है. तो वो टाइम पीरियड था, अगर 360 डिग्री की बात करें तो वो टाइम पीरियड था 23 आवर्स 56 मिनट 4.2 सेकेंड. और इसी को हम कहते हैं साइड रियल डे या नक्षत्र दिवस, राइट. फिर हमने कहा कि नहीं, दोपहर से दोपहर, क्योंकि हम टाइम किससे कैलकुलेट करते हैं, हर जो भी समय है वो किससे कैलकुलेट करते हैं, सूरज से. तो क्योंकि धरती अपनी धुरी पे घूमने के साथ साथ सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है, मान लो दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली को, क्योंकि धरती घूम रही है तो दिल्ली को वापस दिल्ली पे दोबारा दोपहर होने में थोड़ा सा टाइम साइडरियल डे से ज़्यादा लगता है. क्यों? क्योंकि धरती सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है. दोपहर से दोपहर का टाइम वो है 24 आवर्स, और उसी को हम कहते हैं सोलर डे या फिर सौर दिवस. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति. तो परिक्रमण गति का टाइम पीरियड कितना था, 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड. इज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. तो ये जो 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड है, अगर हम एग्जैक्ट टाइम को लेके हमारा कैलेंडर बनाते तो कैलेंडर सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता. ठीक है, तो चीज़ों को सिर्फ सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, 5 घंटे 48 मिनट वाला समय को छोड़ दिया, और एक साल को हम बोलते हैं 365 डेज. तो पहले ये जो 5 आवर्स 48 मिनट है, ये लगभग 6 घंटा हो गया, 6 आवर्स. तो पहले साल 6 आवर्स छोड़े, दूसरे साल 6 घंटे छोड़े, ऐसे 4 साल में हमारे पास 24 घंटा इकट्ठा हो गया, 24 आवर्स कलेक्ट हो गया, जिसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो कंप्लीट एक दिन होता है. तो उस एक दिन को हम क्या करते हैं, एवरी फोर्थ ईयर ऐड कर देते हैं, उसी को हम लीप ईयर कहते हैं. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया रोटेशन इन डिटेल. रोटेशन में हमने बात की इफेक्ट्स, फर्स्ट हम वी टॉक अबाउट द एक्सिस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धुरी. तो हमने देखा था धुरी दिखती नहीं है लेकिन होती है. कोई भी गोल चीज़ हो, जब तक वो घूम नहीं रही है उसकी धुरी नहीं है. और अगर धुरी नहीं है तो ना तो उसका नॉर्थ पोल है ना उसका साउथ पोल है. कब तक? जब तक वो घूम नहीं रही है. और अगर ये घूम नहीं रही है तो इसका झुकाव भी नहीं है. ये सब कब आएगा? जब वो बॉल या धरती घूमेगी. तो जब धरती घूमती है हमें अनुभव होता है, वी फील दैट देर इज अ इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ इज रोटेटिंग. हमें आभास होता है एक काल्पनिक रेखा है जिस पर ये बॉल घूम रही है. यह काल्पनिक रेखा ऊपर जहाँ काटती है वो नॉर्थ पोल, यह काल्पनिक रेखा नीचे जहाँ काटती है दैट इज साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव. फिर हमने देखा कि यस, हमारी अर्थ टिल्टेड है. तो झुकता क्या है, एक्सस, पृथ्वी की धुरी. तो वो जो धुरी झुकी है वो किससे झुकी है, परपेंडिकुलर लाइन. और ये परपेंडिकुलर लाइन हमने किस पे ड्रॉप किया, ये लंबवत रेखा हमने किस पे खींची थी, एक प्लेन. कौन सा प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन या फिर कक्ष तल. कक्ष तल पर जो लंबवत रेखा हमने खींची
उससे हमने पृथ्वी का एक्सिस का लोकेशन देखा। तो हम अगर पृथ्वी की धुरी उस परपेंडिकुलर लाइन के सीध में होती तो हम कहते हमारी धरती सीधी घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है उस परपेंडिकुलर रेखा से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके ये भी आ सकता है, जब झुकाव सीधी लाइन से है तो प्लेन से भी तो है झुकाव, तो कोई प्लेन से, ऑर्बिटल प्लेन से पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो वो आंसर हमारा कितना था, 66.5 डिग्री। 90 में से 23.5 डिग्री को आप हटा दो तो आंसर क्या आएगा, 66.5 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, घूर्णन गति का प्रभाव। तो उसमें हमने देखा सबसे फर्स्ट इफेक्ट इज अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का होना। अगर धरती घूमेगी नहीं तो क्या होगा, आधे हिस्से पे हमेशा दिन रहेगा, आधे हिस्से पे हमेशा रात रहेगी। लेकिन क्योंकि धरती घूम रही है तो पृथ्वी के हर हिस्से पर दिन और रात हो रहा है, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। फिर हमने देखा भाई धरती घूम रही है, इसी वजह से समय में परिवर्तन हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तारीख बदल रही है। तो सेकंड पॉइंट हमारा था टाइम एंड डेट। फिर हमने देखा धरती घूम रही है, इसीलिए जो सूरज की हीट एनर्जी आ रही, ताप ऊर्जा आ रही है, उसका पूरी पृथ्वी पे वितरण हो रहा है। अगर धरती नहीं घूमती तो आधी धरती उबल रही होती और आधी धरती बर्फ से ढक जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि धरती घूम रही है, पृथ्वी के हर हिस्से पर ताप ऊर्जा पहुँच रही है। क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एनर्जी। फिर हमने पॉइंट डिस्कस किया शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार। अगर धरती घूम नहीं रही होती तो पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि धरती घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है, इस वजह से उसकी जो इक्वेटर वाला पार्ट है उसमें बाहर की ओर खिंचाव होता है। तो इक्वेटर से जैसे जैसे ये बाहर खिंचती है, पोल से ये बैठती चली जाती है। यानी धरती की रोटेशनल वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो धरती इक्वेटर से और ज़्यादा खिंच जाएगी, पोल पे और ज़्यादा फ्लैट होती जाएगी। और अगर पृथ्वी का रोटेशन वेलोसिटी कम हो जाए तो ये वापस से गोल शेप में आ जाएगी। तो यानी जो स्पेसिफिक शेप है अर्थ का, जियोइड शेप, दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। देन वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। आपको पता है धरती के केंद्र में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से सेंटर में लोहा है वो पिघल गया है। तो आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ द चार्ज्ड आयंस। और आपको पता है साइंस में, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयंस जब मूव करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करेंगे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होता ही है, उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। और ये जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अगेन एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो मेनली किस वजह से है, रोटेशन, घूर्णन गति की वजह से है। फिर हमने डिस्कस किया था टाइड्स, ज्वार भाटा। देखिए ज्वार भाटा मेनली आता किसकी वजह से है, चांद और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आता है। लेकिन चांद पास में है इसलिए उसका प्रभाव ज़्यादा है, सूरज दूर है तो उसका प्रभाव कम है, लेकिन इफ़ेक्ट दोनों का होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स द टाइड्स, दी ग्रेविटेशन पुल ऑफ सन, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या बोथ, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ, दोनों ही जो ज्वार भाटा है, जो टाइड्स हैं उसको इफेक्ट करती हैं। क्लियर, फिर हमने देखा टाइड की हाइट मैक्सिमम सर्वाधिक कब होती है, जब सूरज, धरती और चांद तीनों एक लाइन पर आ जाते हैं, उस दिन टाइड्स की हाइट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और टाइड की हाइट सबसे कम कब होगी, जब सूरज, धरती और चांद
ये तीनों 90 डिग्री एंगल पे आ जाए, सप्तमी या अष्टमी, सेवंथ डे और एट्थ डे, उस दिन ये पोजीशन बनती है और उस दिन टाइड की हाइट सबसे कम होती है। हर दिन में दो बार टाइड आती है, ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, राइट। फिर एक और इफेक्ट है, सिक्स पॉइंट्स हो चुके थे, आई थिंक हमारा ये सेवंथ पॉइंट है, और क्या इफेक्ट होता है पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से। यस एस शर्मा, डेजर्ट में ज़्यादा सर्दी नाइट में और ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब क्लाइमेट करेंगे। उसका मेन चीज़ होता है, देखो, स्पेसिफिक हीट, कि कोई बॉडी कितना स्पेसिफिक हीट ले रही है गर्म होने में और ठंडा होने में। तो जितनी अगर थोड़ी सी हीट डालती वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है, जैसे पानी है, पानी में आप ज़्यादा हीट डालोगे तब उसका टेम्परेचर 100 आएगा, धरती पे आपने थोड़ी सी हीट डाली उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पे आ गया, इसीलिए धरती पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो गई। अब मान लो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मैंने पानी से निकाला तो पानी थोड़ा ही ठंडा होगा, लेकिन उतनी ही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मैंने धरती से निकाल दी तो धरती ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। और ये हर सब्सटेंस का अलग होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट, उससे ये चीज़ रिलेटेड है, ठीक है। We'll discuss all this. Yes, Piyush, your answer is correct. Coriolis effect. Next point is Coriolis effect. Coriolis Prabhav. What is Coriolis effect? Coriolis Prabhav kya hota hai? What is Coriolis effect? कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है? What is? Yes, can anybody tell me what is Coriolis effect? कोरियोलिस प्रभाव क्या होता है? प्लीज आंसर, व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट, ये टर्म आपने सुना होगा, कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? यस, नो वन नोस, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सिर्फ विंड को प्रभावित करती है, मूवमेंट ऑफ विंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। यस नेहा, ये रोटेशन की वजह से होता है, दैट्स करेक्ट, और विंड्स की मूवमेंट को नहीं, विंड्स के डायरेक्शन को इफेक्ट करती है, डायरेक्शन को मेनली। यस, मूवमेंट हो गया लेकिन स्पीड को इफेक्ट नहीं करता, वो क्या किसको इफेक्ट करता है? डायरेक्शन को। देखिए, कोरियोलिस इफेक्ट क्या है उसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक झूला है, बचपन में झूले बहुत झूले होंगे आपने, एक नहीं होती लोहे की एक प्लेट होती है जिस पे चार कुर्सियां लगी होती है और उस पे बच्चे बैठ जाते हैं और वो चेयर, वो प्लेट पूरी घूमती है, ठीक है। मान लीजिए ये वो प्लेट है और इस पे ये चार कुर्सियां लग गई, ठीक है। अब आप में से चार जने इस पर बैठ गए, ठीक, और ये प्लेट कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ठीक है। झूला है ऐसा, अर्थ पे सतह पे एक प्लेट होती है जिसपे चार चेयर होते हैं और ऐसे घूमता है ना, उस तरह का, ठीक है। अब देखिए जिस, और ये प्लेट कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट, ठीक।
अब जब बंदा इस प्लेट पे ये जब घूम रही है, ये जब घूम रही है उस वक्त यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसने बॉल फेंकी इस पर्सन को जो उसके जस्ट सामने बैठा है, उस पर्सन को बॉल फेंकी। क्या बॉल इसके पास पहुंचेगी? नहीं ना। बॉल क्या इसके पास पहुंचेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लेट घूम रही है। जब तक बॉल यहां आएगी, ये बंदा तो घूमता हुआ इधर खिसक गया क्योंकि प्लेट घूम रही है। होगा कि नहीं? है ना। तो ये बंदा सामने वाले पे चिल्लाएगा, भाई तुम बॉल सीधी फेंको। क्यों? क्योंकि इस जब इसने बॉल फेंकी, बॉल तो इधर आके गिर गई, वो बंदा तो आगे चला गया। तो ये बंदा सामने वाले पे चिल्लाएगा, तुम बॉल सीधी फेंको। भाई उसने, लेकिन वो क्या करे, उसने तो बॉल सीधा ही डाला, लेकिन जब तक बॉल वहां पहुंची, क्योंकि प्लेट घूम रही थी, वो बंदा खिसक के इधर आ गया, ये बंदा इधर आ गया। तो उसको क्या लग रहा है? बॉल तिरछी जाके गिरी। आया समझ में? ठीक है, अब फिर से देखो। ये बंदा एक और है जो बाहर खड़ा है, इसको झूले पे बैठाया ही नहीं, तो बाहर रह गया। ठीक है, तो ये बंदा क्या देख रहा है सिचुएशन? उसको क्लियर दिख रही है, सामने वाले ने बॉल फेंकी, तो बॉल तो इसके पास आई, सामने गिरी, लेकिन जिसको बॉल फेंका वो पर्सन वहां से हट गया। क्लियर है? तो बॉल तो अपनी जगह गई, लेकिन जिसको बॉल फेंकी वो पर्सन वहां से हट गया। कहने का मतलब ये है, एक्चुअल में बॉल की दिशा नहीं बदली, लेकिन जो इस प्लेट पे बैठा है, जो इस प्लेट पर, इस प्लेट के साथ घूम रहा है, उसको ऐसा लग रहा है बॉल की दिशा बदल गई। आया समझ में? ठीक है, फिर से देखिए, प्लेट झूला घूम रहा है। ठीक है, अगर ये, अब एक कंडीशन और लेके चलते, मान लीजिए प्लेट नहीं घूम रही है। अगर प्लेट घूम नहीं रही है, ये पर्सन जब सामने वाले को बॉल फेंकेगा, बॉल इसी के पास आएगी क्योंकि प्लेट घूम नहीं रही है, बॉल सीधी गई। ठीक है, यानी कोई चेंज नहीं हुआ बॉल की दिशा में, बॉल की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब हम सेकंड केस लेते हैं, ये प्लेट घूमना शुरू हो गई। अब जब बॉल प्लेट घूम रही है, उस समय इस सामने वाले ने बॉल फेंकी इस पर्सन को, लेकिन बॉल इस पर्सन के पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब तक बॉल यहाँ आएगी, वो बंदा खिसक के आगे चला गया, तो उसके लिए बॉल तो तिरछी जाके गिरी कि नहीं, लेफ्ट में जाके गिरी कि नहीं। ठीक है, तो जो बंदा इस प्लेट पर बैठा है उसको ऐसा लग रहा है बॉल की दिशा बदल गई, लेकिन एक्चुअल में बॉल की दिशा नहीं बदली। उसी तरह से धरती पे हवाएं, ये हमारी धरती है, दिस इज आर अर्थ। ठीक है, अब देखिए, मान लो ये रहा अफ्रीका दिख रहा है, ये रहा यूरोप। मान लो हवा चली यूरोप से अफ्रीका। ठीक है, हवा चली यूरोप से अफ्रीका। ठीक, लेकिन जब तक हवा अफ्रीक नीचे पहुंचेगी, तब तक तो धरती घूम गई होगी, हवा कहाँ पहुंच जाएगी? अमेरिका। मतलब जो हवा यूरोप से चली उसे पहुंचना तो अफ्रीका था, लेकिन क्योंकि धरती घूम रही है, हवा में, हवा कहाँ पहुंच गई? अमेरिका। ठीक, तो एक्चुअल में हवा की दिशा नहीं बदली, लेकिन अब हम इंसानों को, हम तो धरती पर हैं, हम भी तो धरती के साथ घूम रहे हैं, तो हमें, अब जो अमेरिका वाले हैं उनको क्या लगेगा? उनको ये नहीं लगेगा कि हवा उत्तर से आ रही है, उनको तो ये लगेगा हवा इधर से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, या हवा पूरब से आ रही है। पर एक्चुअल में हवा कहाँ से आ रही है? उत्तर से। कहने का मतलब एक्चुअल में हवा की दिशा नहीं बदली है, लेकिन हमें ऐसा एहसास होता है हवा की दिशा बदल गई क्योंकि धरती घूम रही है। उसी तरह से जैसे इस बंदे को ऐसे लग रहा है बॉल की दिशा बदल गई। आया समझ में?
इस इफेक्ट को कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। ये सिर्फ हवा पे ही नहीं, हर वो चीज़ जो पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ जाएगी उस पर होगा। प्लेन उड़ा, प्लेन उड़ा यूरोप से अफ्रीका, ठीक है, तो सीधा अफ्रीका नहीं पहुंचेगा, वो तिरछा हो जाएगा। इसलिए प्लेन थोड़ा तिरछा उड़ता है ताकि वो अपनी जगह पर पहुंच जाए। आ गया समझ में? तो जो चीज़ पृथ्वी की सतह से ऊपर है उस पर कोरियोलिस प्रभाव लगेगा। इज इट क्लियर व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट? तो आपने नाम सुना होगा हवाओं का, ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, पूर्वी पवन और पछुआ पवन, सुना है ना? ईस्टर्ली विंड, तो जो हवा उत्तर से आती है हमें लगता है ईस्ट से आ रही है, जो हवा साउथ से आती है हमें लगता है वो हवा वेस्ट से आ रही है। याद रखिएगा, हवा का नाम उस पे निर्भर करता है ये किस दिशा से आ रही है। अगर पूरब से आ रही है तो हम कहेंगे ईस्टर्ली विंड्स, अगर वेस्ट से आ रही है तो हम कहेंगे वेस्टर्ली विंड्स। अगेन, विंड्स इज अ वेरी बिग टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हम करेंगे जब टॉपिक करेंगे एटमॉस्फेयर। यहाँ तो सिर्फ आप बस इतना समझ लीजिए कोरियोलिस इफेक्ट क्या है। इज इट क्लियर? प्लीज आंसर। प्लीज आंसर, इज इट क्लियर? तो आप लिख लीजिए कोरियोलिस इफेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, द डायरेक्शन ऑफ विंड्स गेट्स चेंज due to the rotation of earth. The direction of winds gets changed due to the rotation of earth. This effect is known as Coriolis effect. पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से हवा की दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। यस शिवम, आपने क्वेश्चन पूछा है। एटमॉस्फेयर रोटेट्स अलोंग विद अर्थ और नॉट? एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी के साथ घूमता है। ये जो चेंज होगा ये इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, माइनर चेंज होगा। जो अर्थ की स्पीड होगी उससे थोड़ा कम स्पीड हवा की हो जाएगी, लेकिन इतना भी। देखिए, आपको पता है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर गैशियस इन नेचर? जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है, आप जैसे आपने सुना है वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, राइट? तो क्या सारे ग्रह ठोस है? वेदर ऑल द प्लैनेट्स आर सॉलिड इन नेचर और सम आर गैशियस इन नेचर? यस रोहित, टाइफून क्या होता है, साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये विंड का टॉपिक है। व्हेन वी विल डिस्कस एटमॉस्फेयर सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ओके, यस शिवम, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्या धरती के साथ एटमॉस्फेयर घूमता है? यस, घूमता है।
यस अभिषेक, सारे, यस योर आंसर इज करेक्ट, सारे ग्रह ठोस नहीं हैं। देखो शुरू के जो चार ग्रह हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, सिर्फ ये चार ग्रह, क्योंकि वो पूरा गैस का बादल है, गैस का गोला है। अब आप पिक्चर को इमेजिन कीजिए, पूरा गैस का गोला तेज रोटेट कर रहा है और इतनी कंडेंस्ड बॉल है, इसीलिए उसे हम एक ग्रह कह रहे हैं, जुपिटर। ठीक है, उसी अर्थ भी इसी तरह से बनी थी, जब धरती बनी होगी शुरू में ये भी गैस का गोला था, हाइड्रोजन गैस का गोला था। क्या हुआ, बहुत तेज ये गैस का गोला घूमता चला गया, घूमते घूमते क्या हुआ, जो बीच में गैस का कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा हुआ, कंडेंस्ड होते 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 वो ठोस हो गया, लेकिन बाहर का हिस्सा गैशियस ही रह गया, जिसे हम आज एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन पूरी बॉल आज घूम तो रही है, ठीक है, लेकिन जो सॉलिड हिस्सा है उसकी स्पीड और गैशियस जो पार्ट है उसकी स्पीड में थोड़ा अंतर होगा, लेकिन सारी चीज़ घूम रही है, तो जितना एटमॉस्फेयर है वो भी तेज़ घूम रहा है। ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई अगर धरती घूम रही है तो क्यों ना मैं थोड़ा ऊपर उठ जाऊं, और जब मुझे जैसे यहाँ से अमेरिका जाना है तो धरती से थोड़ा ऊपर उठ जाऊं, देखो धरती घूमे, जैसे अमेरिका है तो वापस नीचे उतर जाऊं, ऐसा कुछ ख्याल आता होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, है कि नहीं, अगर धरती घूम रही है हम धरती से ऊपर उठ जाते हैं और फिर नीचे देखे, हाँ भाई जब अमेरिका आ जाए तो वापस नीचे उतर जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, है ना। तो क्यों हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए, अगर धरती घूम रही है तो ऐसा भी होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे धरती जितनी तेज घूम रही है एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, इसीलिए आपको हर चीज़ स्टेबल दिखती है, क्योंकि धरती भी घूम रही है, अपनी सतह के पास जो हवा है वो भी घूम रही है, जितना ऊपर जाएंगे उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी लेकिन वो सब भी उतनी ही स्पीड से घूम रहा है। तो अगर आपको ये टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है कि नहीं हम धरती से ऊपर उठ जाएं और देखें, हाँ भाई अफ्रीका आ गया तो वापस नीचे उतर जाएं, अमेरिका आ गया तो वापस नीचे उतर जाएं, ये तब पॉसिबल हो पाएगा, हम पृथ्वी की सतह से इतना ऊपर उठ जाएं जहाँ अर्थ की ग्रेविटी फोर्स हम पे एक्ट ना करे। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी आपने सुना होगा, 10,000 मीटर्स हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर जब आप, हम जब ऊपर उठ जाएंगे जहाँ हमारे ऊपर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रभाव ना करे, तब आप स्टेबल हो जाओगे, आप स्टेबल हो जाओगे तो तब इंतज़ार करो अमेरिका आ गया तब वापस उतर के नीचे आओ, तो उसमें इतना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, थ्रस्ट तो आपको देना पड़ेगा ना ताकि आप एस्के उतनी ऊंचाई पे पहुंच जाओ और फिर वापस नीचे आओ सेफली, इससे अच्छा तो प्लेन में उड़ लो, है कि नहीं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है। जब हम यहाँ डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, दिस डिफ्लेक्शन इज माइनर, हल्का होता है, क्यों, क्योंकि स्पीड में वेरिएशन है लेकिन डिफ्लेक्शन होता है, इज इट क्लियर। ठीक है, यस डेविल, मार्स के बाद सारे ग्रह गैशियस हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऑल आर गैशियस इन नेचर। यस अभिषेक, यस अंकुश, आप ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हो लेकिन उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, इससे अच्छा बस में बैठ के चले जाइए। यस मलिक, आवाज़ कम आ रही है, यस अब क्लियर है आवाज़, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट। हाँ, आप एक काम कीजिए, एक बार वापस से ओपन कीजिए लिंक को तो वॉइस क्लियर आ जाएगी। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन,
घूर्णन गति का प्रभाव. नेक्स्ट टॉपिक इज रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति. इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमण. नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति. इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन को समझने के लिए पहले हमें इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस के बारे में पता होना चाहिए. तो ये जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस है, आपने नाम सुना होगा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. तो आप इनके बारे, इनको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका रिलेशन रिवोल्यूशन से है. ये आप बना लीजिए इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस, प्रमुख अक्षांश रेखाएं. इसका रिलेशन क्योंकि रिवोल्यूशन से है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस. प्रमुख अक्षांश रेखाएं. जीरो डिग्री लाइन ये होता है इक्वेटर, भू मध्य रेखा. द नेक्स्ट इज जीरो डिग्री हो गया, 23 डिग्री नॉर्थ. याद रखना, नॉर्थ लिखना है. टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा. साढ़े 23 डिग्री साउथ. टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा. degree north. आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त. degree south. एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक वृत्त. नाइंटी डिग्री नॉर्थ इज नॉर्थ पोल. अब तो आपको क्लियर हो गया होगा नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है. दक्षिण ध्रुव. दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स.
यस पीयूष, क्या बात है, आप ज्योग्राफी से बोर हो गए क्या? हाँ यस, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से जाता है, ये सब एक अलग टॉपिक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दीजिए, रिवॉल्यूशन। अगर एक टॉपिक में हम दो तीन टॉपिक घुसा देंगे तो आप इस टॉपिक से डेविएट हो जाओगे। ठीक है, लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप। प्रमुख अक्षांश रेखाएं, इक्वेटर कहाँ से जाता है, कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक देखिए, हो गया ये लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, पीयूष, डेविल, अभिषेक, शिवम, थैंक यू। हो गया ना, आगे चलें। रिवॉल्यूशन, देखिए अब आपको ये चीज़ क्लियर है, पृथ्वी का झुकाव का मतलब क्या है। पृथ्वी सीधे होती, स्टैंड को मत देखो, बॉल को देखो, अगर सीधे होती तो वो ऐसे घूमती, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। अब आपको ये समझ में आया, ये स्टैंड पे धरती को तिरछा क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये अर्थ का झुकाव बताते हैं, 23.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारी धरती झुकी हुई नहीं होती, सूरज मान लीजिए सामने है, सूरज ये हमारी धरती है, अभी ये जो पोजीशन है धरती का झुकाव दिखा रहा है सूरज की तरफ। अब मैं इस धरती को एकदम सीधे करती हूँ, ठीक है, सीधा किया तो ऐसे हो गया सीधा, ठीक है, और अब हमारी धरती एग्जैक्टली घूम रही है। ठीक, अब देखिए, जब हमारी धरती सीधी होती तो एग्जैक्टली धरती का आधा हिस्सा सूरज की तरफ होता और एग्जैक्टली आधा हिस्सा सूरज से दूर होता, होता कि नहीं, कब, जब हमारी धरती झुकी हुई नहीं होती। फिर से देखो, हमारी धरती ऐसे झुकी हुई है सूरज की तरफ, ठीक, ऐसा नहीं है। अब मैं अभी धरती को सीधा कर रही हूँ, ये हो गई धरती सीधी। ठीक, अब देखिए, अगर हमारी धरती सीधी होती, नॉर्थ पोल पर ध्यान दो, साउथ पोल पे ध्यान दो, तो पोल का आधा हिस्सा भी सूरज की तरफ, आधा हिस्सा भी सूरज से दूर। अगर पोजीशन ऐसी होती तो क्या होता, पूरी धरती एग्जैक्टली क्या हो रहा है, घूम रही है, लेकिन एग्जैक्टली आधा हिस्सा सूरज की तरफ है, आधा हिस्सा सूरज से दूर है, इसलिए पूरी धरती पे पूरे साल दिन और रात बराबर होते, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात,
लेकिन ऐसा कब होता, जब हमारी धरती सीधी होती। आप देखो जब सीधी है तो पोल्स का आधा हिस्सा सूरज की तरफ है, आधा हिस्सा सूरज से दूर है, लेकिन ये कब होता, जब धरती सीधी होती। अब देखिए हमारी, लेकिन हमारी धरती सीधी नहीं है, झुकी हुई है। अब मैं झुका रही हूँ, ये देखिए सूरज की तरफ ये ऐसे झुक गई, झुक गई। अब हमारी धरती तो ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो अब आप बताइए धरती कितनी भी घूम जाए, क्या नॉर्थ पोल पर रात होगी और क्या साउथ पोल पर दिन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि धरती ऐसे झुकी हुई है, इस वजह से क्या हो रहा है, एक राउंड पर तो एक दिन हो जाता है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल लगातार सूरज की तरफ है, साउथ पोल लगातार सूरज से दूर है। इसीलिए आपको पता होगा या सुना होगा आपने, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर लगातार 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती झुकी हुई है। फिर से देखिए, अगर हमारी धरती सीधी होती तो सीधी धरती ऐसे होगी, ठीक है। अगर धरती सीधी होती तो पोल्स को देखो, नॉर्थ पोल आधा सूरज की तरफ, आधा सूरज से दूर, और पूरी धरती पे दिन और रात बराबर होते, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। लेकिन ऐसा तब होता जब धरती सीधी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी धरती ऐसे झुकी हुई है। झुकने की वजह से अब देखो धरती का आधा हिस्सा सूरज की तरफ इतना हो गया, आधा हिस्सा सूरज से दूर इतना हो गया। अब इस पोजीशन पे जब धरती घूम रही है, कितना भी घूम ले नॉर्थ पोल पे रात नहीं होगी, और कितना भी घूम ले साउथ पोल पे दिन नहीं होगा। इसीलिए पोल्स पर लगातार 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यहाँ तक चीज समझ में आया, ठीक है। अब मानिए ये सूरज है, मैं इस पोजीशन को ऐसे ले रही हूँ, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये सूरज है। तो क्योंकि धरती अभी यहाँ है, नॉर्थ पोल सूरज की तरफ है, साउथ पोल सूरज से दूर है, नॉर्थ पोल पे लगातार 6 महीने का दिन है, साउथ पोल पे लगातार 6 महीने की रात है, ठीक है। तो अब आप इस समय देखिए पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्योंकि आधा हिस्सा धरती का इतना हो गया ना, तो पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर ज़्यादा समय के लिए सूरज की तरफ है और पूरा साउथ हेमिस्फीयर ज़्यादा समय के लिए सूरज से दूर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर जितने समय के लिए सूरज की तरफ है, यानी पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे और पूरे साउथ हेमिस्फीयर में रात बड़ी होगी, क्योंकि पोजीशन ऐसे है। फिर से देखो, अगर धरती सीधी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली पूरी धरती पे 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती, लेकिन क्योंकि हमारी धरती झुकी हुई है, इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर ज़्यादा समय, ज़्यादा टाइम सूरज की तरफ है और साउथ हेमिस्फीयर ज़्यादा समय सूरज से दूर है। तो इस समय पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़े होंगे, पूरे साउथ हेमिस्फीयर में दिन छोटे होंगे, ठीक। अपने यहाँ दिन बड़े कब होते हैं? जून में, ठीक। अब फिर से देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर्दियाँ आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो गया, पोजीशन उल्टा हो गया। अब धरती कितना भी घूम ले नॉर्थ हेमिस्फीयर पे दिन नहीं होगा और साउथ हेमिस्फीयर पे रात नहीं होगी, क्योंकि अब साउथ पोल किधर आ गया, सूरज की तरफ। अब नॉर्थ पोल कहाँ चला गया, सूरज से दूर। आया समझ में, ठीक है। इस समय दिन बड़े कहाँ होंगे, साउथ में। इस समय दिन छोटे कहाँ होंगे, नॉर्थ में। दिसंबर में हमारे यहाँ दिन छोटे होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो अपने यहाँ होगा उसका उल्टा, ऑपोजिट ऑस्ट्रेलिया में होता है।
अभी अपने यहाँ गर्मियाँ हैं, हमारे यहाँ दिन बड़े हो रहे हैं, इस समय ऑस्ट्रेलिया में दिन छोटे हो रहे हैं। आ गया समझ में? ऐसा क्यों है? क्योंकि धरती झुकी हुई है। क्लियर? अगर धरती सीधी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी धरती पे दिन और रात बराबर होता, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। क्लियर है? लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी धरती झुकी हुई है, इस वजह से साल के आधे समय उत्तरी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका हुआ है, साल के आधे बाकी के समय में दक्षिण गोलार्ध सूरज की तरफ है। इस वजह से नॉर्थ में दिन बड़े होते हैं, तब साउथ में दिन छोटे होते हैं, और जब साउथ में दिन बड़े होते हैं तो नॉर्थ में दिन छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है? दिन और रात का होना पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से है, लेकिन दिन और रात का छोटा और बड़ा होना रिवॉल्यूशन की वजह से। क्या ये चीज़ क्लियर है? इज इट क्लियर? प्लीज आंसर। थैंक यू अभिषेक, शिवम, निरुपमा। यस सौरभ, हमने अर्थ की पोजीशन को अज्यूम नहीं किया है, एक्चुअल में सिचुएशन ये है। आप बताइए, क्या पृथ्वी जो ऑर्बिटल प्लेन है, कक्ष तल है, जिस पर सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, क्या हमने उसको अज्यूम किया है? नहीं ना, एक्चुअल में तो है। ऐसा थोड़ी सारे ग्रह सूरज के चारों ओर ऐसे जंप करते करते कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। नहीं, सारे ग्रह एक ही प्लेन पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो रेफरेंस लाइन हमने किसको लिया? ऑर्बिटल प्लेन को। और उस हिसाब से हमने देखा कौन सा ग्रह झुका हुआ है, कौन सा ग्रह सीधा है। यस डेविल, इसलिए दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है। अपने यहाँ जो होगा उसका उल्टा ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए, सर्दी गर्मी चेंज ऑफ सीजन वो किस वजह से होता है? चेंज इन सीजन वो किस वजह से होता है? यस प्लीज आंसर। चेंज इन सीजन किस वजह से होता है? सर्दी गर्मी किस वजह से होती हैं? यस ड्यू टू रिवॉल्यूशन। यस ड्यू टू रिवॉल्यूशन। काफी बच्चों के मन में ये होगा कि जो अर्थ का जो पाथ है, ऑर्बिटल पाथ है, वो थोड़ा एलिप्टिकल है, तो घूमता घूमता जब वो सूरज के पास आ जाए तो गर्मी, और सूरज से दूर चला जाए तो सर्दी। क्या ऐसा कोई ख्याल है दिमाग में? ये देखिए, डेविल का आंसर भी आ गया कि सन से डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो सर्दी हो जाती है, पास में आ जाए तो गर्मी होती है। यस तो एक अच्छा, ये बताइए डेविल, सभी बच्चे, आप सभी बताइए, किस तारीख को धरती सूरज के सबसे पास होती है?
और किस तारीख को धरती सूरज से सबसे दूर होती है? किस तारीख को धरती सूरज के सबसे पास होती है और किस तारीख को धरती सबसे दूर होती है? भाई मैंने क्वेश्चन पूछा सर्दी गर्मी किस वजह से होता है, आप सभी ने आंसर दिया रेवोल्यूशन। चलो ये आंसर सही है। फिर एक बच्चे ने कहा कि भाई मतलब आप में काफ़ी लोगों को मन में ये होगा कि सूरज धरती जब घूमते घूमते सूरज के पास आ जाए तो गर्मी और जब दूर चले जाए तो सर्दी। फिर मैंने आपसे अभी तारीख पूछी, किस डेट को अर्थ सूरज के सबसे पास होती है? थैंक यू नेहा। सनी 3 जनवरी को वो सबसे पास होती है, 21 जून, 22 दिसंबर। ट्वेंटी सेकेंड जून को सबसे पास होती है, 4 जुलाई। सनी 3 जून को पास और 4 जुलाई को दूर होती है। यस सनी और चंदा, योर आंसर इज करेक्ट। जिन्होंने 3 जनवरी बोला है, 3 जनवरी को वो पास में होती है। यस याद रखेगा, 3 जनवरी को ये सबसे पास में होती है। ठीक है, तो सबसे पास में होती है जनवरी में, तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है और सबसे पास में भी है, और 4 जुलाई को ये सबसे दूर होती है, लेकिन जुलाई में तो अपने यहाँ गर्मी पड़ती है। आंसर तो आपका सही है। माई क्वेश्चन इज कि धरती सूरज के सबसे पास 3 जनवरी को होती है, योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन जनवरी में तो हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है कि नहीं? जब सबसे पास होती है, दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। जब सबसे दूर होती है, डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 3 जनवरी जिस दिन सबसे पास होती है, इस पोजीशन को कहते हैं पर हीलियन उपसौर। आपने सुना होगा अपसौर और उपसौर। जब ये सबसे दूर होती है, इस पोजीशन को कहते हैं अपहीलियन अपसौर। अपसौर यस अभिषेक, हाउ इट इज पॉसिबल, यही मेरा क्वेश्चन है। तब इंडिया पीछे होता होगा बेटा। इंडिया तो हर 24 घंटे में सूरज के सामने आएगा कि नहीं? हर 12 घंटे में। अर्थ का रोटेशन तो 24 आवर में पूरा हो जाता है। क्योंकि सूर्य दक्षिणावर्त होता है। यस शिवम, योर आंसर इज करेक्ट। नॉर्थ पोल इज टिल्टेड इन द ओपोजिट साइड ऑफ द सन। इस चीज को नोट कीजिए, नॉर्थ पोल सूरज से दूर है, साउथ
साउथ पोल सूरज की तरफ है और इंडिया नॉर्थ में है, तो इस समय क्या हो रहा है, नॉर्थ हेमिस्फेयर का ज्यादा समय सूरज से दूर रहेगा, तो धूप कम आएगी इसीलिए ठंड है, लेकिन उसी समय साउथ पोल सूरज की तरफ है, यानी पूरा दक्षिण गोलार्ध सूरज की तरफ है, इसलिए यहाँ धूप ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर गर्मी है। अब 4 जनवरी जुलाई में क्या हो रहा है, देखिए नॉर्थ पोल सूरज की तरफ है तो ज्यादा धूप पड़ेगी, इसीलिए दिन भी बड़ा होगा, ज्यादा धूप पड़ेगी तो नॉर्थ में गर्मी है और साउथ में सर्दी है। याद रखिएगा, जो हमारे यहाँ होता है उसका ओपोजिट साउथ में होता है। 4 जुलाई को सन फोर्थ जुलाई को सन अर्थ के सीधा ऊपर रहता है। राहुल, जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो पूरे अर्थ पे सीधा ऊपर नहीं रहेगा, ये देखिए अर्थ की पोजीशन ऐसी है, क्लियर है, अर्थ की पोजीशन ऐसी है, हर जगह है कि सिचुएशन अलग अलग है, हर जगह है पर सूरज एक दिन में एक बार एकदम सीधा ऊपर आता है, उसी को हम दोपहर कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं। कंपैरिजन नहीं कर सकते हम डेविल की, इसलिए इंडिया से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, भाई जितनी गर्मी नॉर्थ में पड़ेगी उतनी ही गर्मी साउथ में पड़ेगी। अब जगह जगह का अंतर है, ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है, 2/3 पार्ट ऑफ द डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2/3 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट, दिस इज द रीजन ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ज्यादा। अब क्वेश्चन पूछोगे कि वहाँ 2/3 रेगिस्तान क्यों है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस, ये क्लाइमेट का टॉपिक है कि कहाँ रेगिस्तान बनेगा, कहाँ जंगल होगा, कहाँ बारिश होगी, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अभी आप नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर को देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मत देखो, पूरे गोलार्ध को देखिए। यस पीयूष, मैं एक बार और बताती हूँ बेटा, नेहा साउथ में गर्मी देखिए, अब देखो वापस से देखिए, सूरज, ये सूरज और ये धरती, क्लियर है, ठीक है, जून का महीना, पोजीशन ये है, नॉर्थ हेमिस्फीयर अच्छा आप इस हिसाब से कह रहे हो क्योंकि दूरी कम है इसीलिए साउथ में गर्मी ज्यादा, यस योर आंसर इज करेक्ट नेहा, एंड आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, आप किस पॉइंट को लेकर कह रहे हो, यस 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 नेहा एंड डेविल, यस डिस्टेंस को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, यस दक्षिण की गर्मी उत्तर की गर्मी से ज्यादा होगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को देखिए, यस वापस से आप सारी चीज को समझिए, ये नॉर्थ है और ये सूरज है, ठीक है, इस समय क्या हो रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो रहा, साउथ हेमिस्फीयर में दिन छोटा हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, क्यों, क्योंकि जो झुकाव है उस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर ज़्यादा समय सूरज की तरफ है, साउथ हेमिस्फीयर ज़्यादा समय सूरज सूरज से दूर है, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया जून का महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्लियर है, ठीक। इस समय क्या हो रहा है, साउथ हेमिस्फीयर ज़्यादा समय सूरज की तरफ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर ज्यादा समय सूरज से दूर है, तो इस समय दिन बड़े कहाँ हो रहे हैं, साउथ में, दिन छोटे कहाँ हो रहे हैं, नॉर्थ में, तो ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। मैं वो पॉइंट, ये पॉइंट प्लीज, जो बच्चों ने कहा कि दक्षिण में गर्मी ज्यादा पड़ती है वो
डिस्टेंस को लेकर के बोल रहे हैं, वो चीज़ क्लियर है। क्यों? क्योंकि दक्षिण में जब सूर्य दिन बड़ा हो रहा है उसके साथ ये दूरी भी कम हो गई, इसीलिए हम ये कह सकते हैं दक्षिण की गर्मी ज़्यादा गर्म होती है उत्तर की गर्मी से, क्योंकि जब उत्तर में गर्मी पड़ती है उस समय ये दूरी ज़्यादा होती। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट। फिर देखिए, सूरज की किरणें सीधी इस समय नॉर्थ पे गिर रही है, कब? जून में। और सूरज की किरणें तिरछी कहाँ गिर रही हैं? साउथ में। क्लियर है? ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई। अगर धरती सीधी होती, पूरी सूरज की किरण की अगर हम बात करें, तो पूरे धरती पे सूरज बीच वाले हिस्से में सूरज की किरणें सीधी रहती, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाते जाते सूरज की किरणें तिरछी हो जाती। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी धरती झुकी हुई है, ध्यान से देखिए, धरती झुकी हुई है, मैं सूरज की सीधी किरणों की बात कर रही हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रही पृथ्वी की सतह पे सूरज की किरण सीधी कब गिर रही है। देखिए, ये थोड़ा एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हर जगह दोपहर होगी पृथ्वी की सतह पे, तो दोपहर का मतलब क्या है? सूरज की किरण सीधी गिर रही। अब सीधी है या तिरछी है, ये हम कहाँ से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं सूरज और धरती की बात कर रही हूँ। अब सूरज से जब किरण आ रही है धरती की तरफ, तो बीच वाले हिस्से में सीधी किरण गिरेगी और ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में सूरज की किरणें तिरछी हो जाएगी कि नहीं? तिरछी जाएगी। बीच वाले हिस्से में सूरज की किरण सीधी गिर रही है और ऊपर और नीचे वाले हिस्से में सूरज की किरणें तिरछी गिर रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर धरती झुकी हुई है तो सूरज की सिर्फ सीधी किरण की बात कर रही हूँ, सीधी किरण थोड़ा ऊपर तक जाएगी। फिर से देखिए, अगर धरती सीधी है, हाँ, आप सूरज की सिर्फ सीधी किरणों पे फोकस कीजिए, तिरछी किरणें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तक ही जाएगी। सूरज है, किरण आएगी तो बीच में सीधी होगी, ऊपर की किरणें तिरछी होगी कि नहीं? हम सिर्फ सीधी किरणों पे फोकस करते हैं। ठीक, अगर सूरज की किरण सीधी, अगर धरती सीधी होती, सीधी किरणें पृथ्वी के सेंटर वाले हिस्से पे गिरती और जितना आप उत्तर में जाते या दक्षिण में जाते सूरज की किरणें तिरछी हो जाती। ठीक है, लेकिन अब देखिए ध्यान से, धरती झुकी हुई है तो सूरज की सीधी किरणें थोड़ी ऊपर तक गिरेगी, थोड़ी ऊपर तक जाएगी। पूरा इतनी भी धरती नहीं झुकी हुई कि सीधी किरणें नॉर्थ पोल पे चली जाए, थोड़ा झुकी है ना, तो थोड़ा झुकी है तो सूरज की किरणें थोड़ी ऊपर तक जाएंगी। कौन सी? सीधी किरणें, मैं तिरछी किरणों की बात नहीं कर रही हूँ, सीधी किरणें थोड़ा ऊपर तक जाएगी। तो ये ऊपर कहाँ तक जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा तक जाएगी सीधी किरणें। मैं तिरछी किरणों की बात नहीं कर रही हूँ, सीधी किरणों की बात कर रही हूँ। ये चीज़ क्लियर है? अगर धरती सीधी होती, सूरज की किरणें सीधी इक्वेटर पे गिरती, लेकिन क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है इसीलिए सूरज की किरणें थोड़ा उत्तर में जाएगी और 23.5 डिग्री तक गिरेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा तक गिरेगी। ठीक है, क्लियर? जैसे अभी जून का महीना है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब सूरज की सीधी किरण कहाँ गिर रही है? दिसंबर आते आते सूरज की सीधी किरण कहाँ गिर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा पर। नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो सूरज की किरणें बहुत तिरछी हो गई, सीधी किरण कहाँ गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर से देखिए, दिसंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सूरज की किरण सीधी कहाँ आ गई? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यानी सूरज की सीधी किरण कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच तक गिरती है। The straight radiations of the sun, they fall between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn line. कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूरज की किरणें सीधी नहीं होती, वो हमेशा तिरछी रहती है, और नॉर्थ पोल तक जाते जाते तो इतनी तिरछी हो जाती है, तिरछी होने की वजह से हीट इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए नॉर्थ पोल पे लगातार 6 महीने दिन तो होता है, लेकिन धूप इतनी कम आती है कि बर्फ़ भी पिघल नहीं पाती, इसीलिए नॉर्थ पोल पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें उस क्षेत्र में बहुत ही तिरछी गिरती हैं। ये चीज़ क्लियर है। और जैसे ही धरती यहाँ जाएगी दिसंबर में, तो कहाँ तक सीधी गिरेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन तक। कैप्रिकॉर्न से नीचे कभी भी सूरज की किरणें सीधी नहीं गिरती है। ठीक है, इंडिया के साउथ में भी ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कपिल, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, वो इक्वेटर के पास में है, इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर। तो ये पॉइंट क्लियर है। 3 जनवरी को धरती सूरज के सबसे पास होती है, 4 जुलाई को वो सबसे दूर होती है। लेकिन इस समय क्या है, नॉर्थ पोल सूरज से दूर है, साउथ पोल सूरज की तरफ है, इसीलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दी होती है, साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी होती। 4 जुलाई को धरती सूरज से सबसे दूर तो है, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की तरफ है, साउथ हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज से दूर है, इसीलिए नॉर्थ में गर्मी होती है और साउथ में सर्दी होती है। ठीक, हाँ, लेकिन यहाँ एक पॉइंट और आ गया, क्योंकि जब दक्षिण गोलार्ध में गर्मी है, उस समय धरती सूरज के सबसे पास भी होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं दक्षिण की गर्मी उत्तर की गर्मी की तुलना में ज़्यादा गर्म होती है, और हम ये भी कह सकते हैं दक्षिण की सर्दी उत्तर की तुलना में ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, विंटर में स्नोफॉल होता है? यस अभिषेक, पूरे साल ही स्नोफॉल होता है वहाँ पे, गर्मी पड़ती मतलब समर होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरण नॉर्थ पोल पर जाते जाते बहुत ज़्यादा तिरछी हो गई, इसीलिए इक्वेटर पे ज़्यादा गर्म रहता है। तो आपको ये चीज़ समझ आया, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन? Is it clear what is the importance of Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn line? कर्क रेखा मकर रेखा का क्या महत्व है? Please answer. यानी ये दोनों लाइन एक बाउंड्री सेट कर रही हैं, जिसके बीच में सूरज की किरण सीधी गिर सकती है, इसके ऊपर या इसके नीचे कभी भी सूरज की किरणें सीधी नहीं होती, तिरछी होती है, पोल्स तक जाते जाते तो इतनी तिरछी हो जाती हैं कि वहाँ 6 महीने लगातार दिन तो होता है, धूप तो आ रही है, लेकिन धूप की इंटेंसिटी इतनी कम है कि वो बर्फ़ को भी पिघला नहीं पाती है, इसीलिए नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं।
क्लियर? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये बताइए, हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा दिन कब होता है? इंडिया में सबसे बड़ा दिन कब होता है? यस, प्लीज आंसर मी, व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया? व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया? प्लीज आंसर मी, व्हेन इज द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया? ये सौरव, अभी हम सब डिस्कस करेंगे मकर संक्रांति हम कब मनाते। यस 21 जून। यस, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्यों होता है? अब देखिए, फिर से देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जून में सूरज की किरण सीधी कहाँ पहुँच रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिसंबर आते आते सूरज की किरण सीधी कहाँ पहुँच गई? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो कोई एक दिन तो आएगा ना जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंच गए, या कोई एक दिन तो आएगा ना जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच गए। देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सूरज की किरण सीधी कहाँ गिरेगी? इक्वेटर। जून में सूरज की किरण सीधी कहाँ गिर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिसंबर में सूरज की किरण सीधी कहाँ गिर रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सीधी किरणें कैंसर से सीधे कूद के कैप्रिकॉर्न पे तो नहीं चले जाएगी, बीच में ऐसा भी समय आएगा जब सूरज की किरण सीधी इक्वेटर पे भी गिरेगी, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो देखिए 21 जून वो तारीख है जिस दिन सूरज की किरण सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पर गिरती है। जिस दिन सूरज की किरण सीधी कर्क रेखा पर गिरती है वो तारीख है 21 जून। यानी अधिकतम ऊंचाई तक सूरज पहुंच गया। ठीक है, इससे और ज्यादा उत्तर में सूरज की सीधी किरण नहीं गिरेगी। तो इस दिन पूरे नॉर्थ में दिन सबसे बड़ा होगा और इसी दिन दक्षिण में दिन सबसे छोटा होगा। तारीख है 21 जून। अब देखिए, हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। देखो, एग्जैक्ट 6 महीने का अंतर है। 21 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सूरज की किरण सीधी कहाँ पहुँच गई? कर्क रेखा पे। तारीख है 22 दिसंबर। ठीक है, अब इस दिन साउथ में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। इसी दिन नॉर्थ में क्या होगा? सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। आया समझ में? ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर के बाद सूरज वापस, आपने सुना है सूर्य का उत्तरायण, सूर्य का दक्षिणायन। उत्तरायण यानी सन इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, दक्षिणायन यानी सन इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, जून में सूरज कहाँ है? उत्तर में, सूर्य का उत्तरायण है। अब जून के बाद क्या हो रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी सूरज की किरण सीधी कहाँ पहुँच रही है? मकर रेखा पर, यानी सन इज मूविंग टुवर्ड्स दी साउथ। ये सूर्य का दक्षिणायन है। क्लियर है? तो 21 जून वो तारीख है जिस दिन सूरज, अब जो सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मैक्सिमम पहुंच गया कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे ज्यादा उत्तर में सूरज की किरण कभी भी सीधी नहीं गिरती, तिरछी तो गिरती है नॉर्थ पोल तक, लेकिन सीधी नहीं गिरती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, और 22 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन सूरज की किरण सीधी कहां गिर रही है? मकर रेखा पर। अब आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैंसर लाइन एंड द कैप्रिकॉर्न लाइन। अब हम ये जो अर्थ की पोजीशन है उसी को हम देख लें एक बार। ये बीच में सन है,
सूरज। देखो धरती की चार पोजीशन बनेगी, अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो इतनी जगह रहनी चाहिए, चार पोजीशन बनेगी। पहली पोजीशन है, तारीख है 21 जून, 21 जून, धरती आ गई यहां पे, अर्थ। ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गई इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, कर्क रेखा, मैं इधर लिख रही हूँ, कर्क रेखा, ठीक है। इस दिन क्या हो रहा है, सूरज की सीधी किरण। देखो हम फोकस किस पे कर रहे हैं, सीधी किरणों पे, तिरछी किरणों पे नहीं, ठीक है। सीधी किरणें कहाँ गिर रही हैं, कर्क रेखा पर। अब देखिए इस समय क्या हो रहा है, पृथ्वी का आधा हिस्सा सूरज की तरफ है और आधा हिस्सा सूरज से दूर है। तो जो हिस्सा सूरज से दूर है वहां क्या है, रात, और जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहां क्या है, दिन है, ठीक है। तो इस तरफ हो गया डे, दिन, इस तरफ हो गया नाइट। अब पृथ्वी कितना भी घूम ले, नॉर्थ पोल लगातार सूरज की तरफ है तो दिन रहेगा, साउथ पोल लगातार सूरज से दूर है तो रात रहेगी, ठीक है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, इस दिन क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट नाइट। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। इसी दिन दक्षिण गोलार्ध में उल्टा हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध में ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। क्लियर है, 21 जून। इस दिन को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा कभी, जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी कभी। क्योंकि सूरज की किरण सीधी कर्क रेखा पर गिर रही है, इसीलिए इस दिन को कहते हैं कर्क संक्रांति। तारीख है 21 जून, सूरज की किरण सीधी गिर रही है कर्क रेखा पर, 21 जून। ये स्नेहा 23 सितंबर को वो इक्वेटर पे पहुंचेगा।
अब देखिए, धरती घूमते घूमते 22 दिसंबर आ गया, 22 दिसंबर धरती आ गई इस तरफ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, 22 दिसंबर को सूरज की किरण सीधी किस रेखा पर गिर रही है? मकर रेखा पर। पृथ्वी का आधा हिस्सा सूरज की तरफ दिन, आधा हिस्सा सूरज से दूर रात। अब नॉर्थ पोल किस एरिया में चला गया? रात वाले एरिया। साउथ पोल किधर आ गया? दिन वाले एरिया। इस दिन क्या होगा? नॉर्दर्न हेमी स्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात। इसी दिन दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा? सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। छोटा दिन, लंबी रात, लंबी रात, छोटा दिन। दिन सूरज की किरण सीधी कहाँ गिर रही है? मकर रेखा पर। इसीलिए इस दिन को कहते हैं मकर संक्रांति। इंग्लिश में कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, हिंदी में कहते हैं मकर संक्रांति। तारीख है 22 दिसंबर। ठीक है, ये तारीख थी 21 जून। ये नोट डाउन कर लीजिए। ये सौरव, समर सॉल्स्टिस को हम मनाते नहीं हैं। कर्क संक्रांति हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि इस दिन के बाद अब सूरज दक्षिण की ओर जा रहा है, तो हमसे दूर जा रहा है, और हम सूरज से हमारी खुशहाली को रिलेट करते हैं। भाई सूरज आएगा तो थोड़ी गर्मी आएगी, गर्मी आती है तभी मानसून आता है, बारिश होती है, खेती होती है, सारी खुशहाली होती है। और कर्क संक्रांति यानी 21 जून के बाद अब सूरज दक्षिण की ओर जाना शुरू हो गया। सूरज चला जाएगा तो रोशनी चले जाएगी, ऊर्जा चले जाएगी, इसलिए हम कर्क संक्रांति को पवित्र नहीं मानते।
हम मकर संक्रांति को पवित्र इसलिए मान रहे हैं 22 दिसंबर के बाद अब सूरज का मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होगा, उत्तरायण। तो हम सूरज को वेलकम करते हैं, भाई आओ हमारी तरफ आओ, नॉर्थ में आओ। तो 22 दिसंबर के बाद सूरज नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो सूरज आएगा, बारिश लेके आएगा, तो खेती अच्छी होगी, खुशहाली होगी। और आपको पता है ये सारे रिलेशन जो भी हमारे त्यौहार हैं खेती से जुड़े हैं। यस पीयूष, हमारे पूर्वज ये सब जानते थे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कर्क रेखा का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, व्हाई डू वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति। देखिए जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो पूरा हमारा डे टू डे लाइफ से जुड़ा है, सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक, दिन रात, हवा पानी, बारिश, सेलिब्रेशंस, त्यौहार। तो देखिए 21 जून सूरज की किरण सीधी कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर सूरज की किरण सीधी मकर रेखा पर, ठीक है। लेकिन सूरज की किरणें सीधी कूद करके तो कैंसर से कैप्रिकॉर्न लाइन पे नहीं चली जाएगी ना। फिर से देखो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया ना, सितंबर मंथ। इस समय सूरज की किरण सीधी कहाँ गिरेगी, सितंबर में, इक्वेटर पे, भू मध्य रेखा पर। और ध्यान से देखो इस समय क्या हो रहा है, पोल को भी देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी। धरती का पूरा एग्जैक्टली आधा हिस्सा सूरज की तरफ, आधा हिस्सा सूरज से दूर। तो इस दिन भी क्या होगा, पूरी धरती पे दिन और रात बराबर होगा। तारीख है 23rd September, 23 सितंबर आ रही है, 23 सितंबर। तो उस दिन दिन और रात का समय बराबर होगा, एक दिन के लिए ऐसा होगा, क्लियर। सितंबर के बाद चले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सूरज की किरण कहाँ पहुँच गई, कैप्रिकॉर्न लाइन पर, ठीक। फिर से देखिए, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, सूरज की किरण वापस सीधी कहाँ गिर रही है, इक्वेटर पे, इस दिन इक्वेटर पे। और फिर से देखो पोल को भी, देखो पोल का भी आधा हिस्सा सूरज की तरफ, आधा हिस्सा सूरज से दूर। तो इस दिन पूरी धरती पे, इंक्लूडिंग नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पूरी धरती पे दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ये तारीख आ गई मार्च, 21st March, यानी दो दिन ऐसा आएगा जब सूरज की सारी किरणें कॉन्सेंट्रेट सीधी इक्वेटर पे गिरेगी। इस दिन पूरी धरती पे दिन और रात बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन भी हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सूरज की किरणें सीधी कहाँ गिरेगी, टॉप इक्वेटर पे। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पे, भू मध्य रेखा। ठीक है, इस दिन सूरज की किरण सीधी इक्वेटर लाइन पर गिरती है। तारीख है 23rd September, ठीक, 23rd September। इस पोजीशन को कहते हैं इक्विनॉक्स। और इस समय सीजन क्या आ गया, ऑटम सीजन, शरद ऋतु आ गई, तो ऑटम इक्विनॉक्स। हिंदी में इसको कहते हैं इक्विनॉक्स को विषु, शरद विषु। अब आपको समझ में आया
इक्वेटर को इंग्लिश में तो इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में इसके दो नाम हैं, दो नाम हैं, एक तो है भूमध्य रेखा इसको और विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस दिन सूरज की किरण सारी सीधी यहाँ इक्वेटर पे गिरती है, पूरी धरती पे दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, इसी को विषुव कहते हैं। इसीलिए इक्वेटर लाइन को विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस दिन क्या होगा? ऑन होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होगी, इक्विनॉक्स, शरद विषुव, ऑटम इक्विनॉक्स। तारीख है 23 सितंबर। अब सितंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद फिर आ गया मार्च। यहां पहुंच गई मार्च, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, सूरज की किरण इक्वेटर पे गिर रही है। तारीख है 21 मार्च। इस दिन इसको भी इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स। स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु आ गया, स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वसंत विषु। इस दिन भी क्या होगा? पूरी धरती पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऑटम इक्विनॉक्स क्या है? तो शरद विषुव क्या है? तो भाई शरद विषुव वो दिन है जिस दिन सूरज की किरण सीधी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर गिरती है, और इस दिन पूरी धरती पे दिन और रात बराबर होते हैं। आपसे पूछ लेंगे मकर संक्रांति क्या है? तो मकर संक्रांति वो दिन है जिस दिन सूरज की किरण सीधी मकर रेखा पे, द सन्स रेडिएशंस आर डायरेक्टली डायरेक्ट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो ऑन दिस डे व्हाट विल हैपन? लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड शॉर्टेस्ट डे इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। ये चार डेट्स हैं और ये क्लियर है, फोर पोजिशंस, इज इट क्लियर? यस, टुडेज क्लास इज़ वेरी कंसेप्चुअल। और ये जब आप, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं बच्चों, आप जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, देख करके, सिर्फ बुक में पढ़ोगे तो चीज़ें समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली चीज़ों को फील करिए तो आपको चीज़ अच्छे से समझ आएगी। यस, डेविल स्प्रिंग इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं। यस शिवम, आपने पूछा है लीप ईयर में डेट चेंज क्यों नहीं होती? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। यस, अभी तक जो किया, इज इट क्लियर? ठीक है,
देखिए तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, इक्विनॉक्स, इक्वेटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंसर लाइन, कैप्रिकॉर्न लाइन। अब आपको क्या ये चीज क्लियर हुई? कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पर क्यों है? यस, वेदर इट इज क्लियर टू यू व्हाई द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज ऑन द 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन लाइज ऑन द 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड? यस, माई क्वेश्चन इज वाई द टॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा 30 डिग्री, 30 डिग्री भी हो सकती थी, 40 डिग्री भी हो सकती थी, हम 10 डिग्री भी ले सकते थे, हमने 23.5 डिग्री क्यों लिया? यस, अर्थ की धुरी है इसलिए। यस हिमांशु, एक्सेस। आप अपने पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करेंगे हिमांशु? माय क्वेश्चन इज जो पृथ्वी की जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री पर क्यों है? हम इसको 30 डिग्री ले लेते राउंड ऑफ करके, 20 डिग्री ले लेते, 40 डिग्री ले लेते, यही डिग्री क्यों चुना? यस यस शिवम शानू, नहीं शिवम, योर आंसर इज करेक्ट। आई थिंक हिमांशु भी यही कहना चाह रहे थे। क्योंकि इस पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए। यस शिवम, योर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी है। पृथ्वी का झुकाव कितना था? 23.5 डिग्री। देखो, सूरज की सीधी किरण की हम बात कर रहे हैं, तिरछी किरणों की नहीं। अगर धरती सीधी होती तो सीधी किरणें बीच में ही रहती, लेकिन धरती कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। तो सीधी किरणें 23.5 डिग्री ऊपर तक की तो जाएगी। अगर धरती 90 डिग्री झुक जाती तो पोल तक चली जाती। आ गया समझ में? अगर धरती का झुकाव 10 डिग्री होता तो कर्क रेखा कितनी लाइन पे होती? 10 डिग्री। मकर रेखा कितनी लाइन पे होता? 10 डिग्री। आया समझ में? तो ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इसका रिलेशन किससे है? पृथ्वी के झुकाव से। धरती जितना डिग्री झुकेगी, सूरज की किरण उतनी डिग्री तो ऊपर जाएगी। इज इट क्लियर? तो अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे क्यों है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पृथ्वी का झुकाव, अर्थ टिल्ट इज एट 23.5 डिग्री। इज इट क्लियर? अगर इंक्लिन, यस डेविल, योर क्वेश्चन इज अगर इंक्लिनेशन 90 होता तो लाइफ पॉसिबल होती? देखिए, देख करके देख लेते हैं। आप प्रैक्टिकली करो, आपको खुद को आंसर मिल जाएगा। ये सूरज,
देखिए, ये सूरज डेविल ने पूछा कि अगर धरती 90 डिग्री झुकी होती तो चलो झुका देते कि ये 90 डिग्री झुक गई, तो क्या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होती? ऐसे सिचुएशन में क्या होता? एग्जैक्टली पूरी धरती, आधी धरती सूरज के समय हो यहाँ होती, और बाद में क्या होता, 6 महीने बाद यहाँ होती। फिर क्या होता, पूरी धरती पे 6 महीने दिन रहते और 6 महीने रात रहती। जैसा अभी पोल का हालत है वैसा धरती का होता, लाइफ होती, लेकिन शायद फिर सारा ड्यूरेशन वगैरह सब चीज़ में अंतर आ जाता। आपने एक और यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा होगा, स्लीपिंग प्लैनेट किसको कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। स्लीपिंग प्लैनेट किसको कहते हैं? विच प्लैनेट इज नोन एज स्लीपिंग प्लैनेट? यस हिमांशु, मैं समझ गई थी आप यही पॉइंट कह रहे हैं। नेपच्यून डेविल, जो स्लीपिंग प्लैनेट है वो यूरेनस है। यस यस सनी, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, देखिए अब समझ में आया उसे स्लीपिंग प्लैनेट क्यों कहते, सो लेटा हुआ ग्रह क्यों कह रहे हैं? कुछ नहीं, उसका इंक्लिनेशन कितना, 90 डिग्री। किससे? ऑर्बिटल प्लेन, कक्ष तल से। वो ग्रह ऐसे है और फिर वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, इसलिए उसे स्लीपिंग प्लैनेट कहते हैं। तो अब समझ में आ गया आपको, यूरेनस स्लीपिंग प्लैनेट इसीलिए कहते हैं। क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं बताने के लिए, लेकिन हम टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं। आपने ये भी पढ़ा है, सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, कौन सा ग्रह ऐसा है जो ईस्ट टू वेस्ट घूम रहा है? विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन? विच प्लैनेट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन? प्लूटो? नो शिवम, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूरब, सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, सिर्फ एक ग्रह है जो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। यस शशि, इट्स कंसेप्चुअल, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना? अब यही है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर। यस, ग्रह हम पढ़ाएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, अभी हम चलेंगे, अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, जब भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ऑर्डर में पढ़ना ज़रूरी है, क्रम में। अगर आप जंप करके टॉपिक्स को लेके चलोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैंने शुरुआत की धरती से, पहले हमने देखा पृथ्वी का शेप कैसा है, पृथ्वी की सतह पे कितना ज़मीन है, कितना पानी है, मोटा मोटा आइडिया ले लिया, कितना ओशियन है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, ताकि बीच में ये टर्म्स आएंगे तो आपको एकदम क्लिक कर जाए, हाँ ओशियन वहाँ था, कॉन्टिनेंट वहाँ था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थ का मूवमेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ के अंदर क्या क्या मूवमेंट है, अर्थ का खुद का मूवमेंट तो हमने देख लिया, अर्थ के अंदर मूवमेंट है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो। तो जितना आप स्टेप में चलोगे, ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो उसका ऑर्डर प्रॉपर होना ज़रूरी है, तो चीज़ें लिंक होती है, एक से दूसरी चीज़ लिंक होती चली जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वीनस, सनी आपने आंसर दिया वीनस एंड यूरेनस, शानू ने भी आंसर दिया वीनस एंड यूरेनस। यूरेनस नहीं होगा, यूरेनस क्यों नहीं होगा, अब खुद ही देख लो। यूरेनस मैंने कहा लेटा हुआ ग्रह है, 90 डिग्री पे घूम रहा है। ठीक,
कितना झुक गया 90 डिग्री। घूम तो वेस्ट टू ईस्ट ही रहा था ना। अब देखो जब ये घूम रहा है, अब आप इसके मूवमेंट को क्या बोलोगे, वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ? यूरेनस का मूवमेंट क्या हो गया, वेस्ट टू ईस्ट होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा या नॉर्थ टू साउथ? आया समझ में? यूरेनस का मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ हो गया। क्यों? क्योंकि इसका झुकाव 90 डिग्री हो गया, ये लेटा हुआ ग्रह हो गया। तो इसका मूवमेंट आपके ऑप्शन में आएगा, यूरेनस किस डायरेक्शन में घूमता है, तो एक ऑप्शन ये भी होगा नॉर्थ टू साउथ। तो क्योंकि लेटा हुआ ग्रह हो गया है, अब देखो इसी को मैं फिर से सीधा कर रही हूँ, तो मूवमेंट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। बॉल तो ऐसे ही घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। अब जब मैंने इसको लेटा दिया तो यही मूवमेंट क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो यूरेनस का मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसका मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट है, तो वो आंसर आपने, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया वीनस। यस, योर आंसर इज करेक्ट। तो भाई जब सारे ग्रह ईस्ट टू वेस्ट घूम रहे हैं, सॉरी सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे हैं, तो ये वीनस अकेला उल्टा क्यों घूम रहा है? वो उल्टा नहीं घूम रहा, क्या हुआ वीनस के साथ, वीनस का झुकाव ज़्यादा हो गया। ध्यान से देखो, ये बॉल अभी कैसे घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसका झुकाव 90 से ज़्यादा हो गया। अब आपको इसका मूवमेंट कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, मैं बॉल घुमा रही हूँ वेस्ट टू ईस्ट, अब यही आपको क्या दिख रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। उल्टा होते इसकी डायरेक्शन आपको उल्टी फील हो रही है कि नहीं, ये वीनस के साथ हुआ है। आ गया समझ में? उसका इंक्लिनेशन 90 से भी ज़्यादा है, ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। यही बॉल जब ऐसे है तो नॉर्थ टू साउथ है, यही मूवमेंट जब ऐसे है तो ये ओपोजिट हो जाएगी, मूवमेंट आपको लगेगा क्या, ईस्ट टू वेस्ट। इज इट क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जो रोटेशन रिवोल्यूशन ईस्ट वेस्ट, ये सारा चक्कर किसका है, रोटेशन का, इंक्लिनेशन। हमें रेफरेंस लाइन क्यों मिल गई, ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि सारे ग्रह ऑर्बिटल प्लेन पे, तो कौन सीधा है, कौन टेढ़ा है, कौन लेटा हुआ है, वो सब हम किसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ऑर्बिटल प्लेन के कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखिए हमारे यहाँ दोपहर होती, अब देखिए जब कर्क जून है, 21 जून, सूरज की किरण सीधी कहाँ गिर रही है, कर्क रेखा पर। ठीक है, इस समय सूरज की किरणें सीधी है नॉर्थ हेमिस्फेयर में। एक तो क्या हो रहा है, दिन बड़ा हो रहा है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, सूरज और नॉर्थ हेमिस्फेयर की दूरी कम है, सूरज और साउथ हेमिस्फेयर की दूरी ज्यादा है। ठीक है, इस पोजीशन की बात कर रही हूँ, इसी पोजीशन पे हम नॉर्थ और साउथ की तुलना कर रहे हैं। एक पोजीशन पे 21 जून सूरज की किरण कर्क रेखा पे गिर रही है, इस समय सूरज की सीधी किरणें कहाँ पे है, नॉर्थ पे है। तो नॉर्थ में, नॉर्थ और सूरज की दूरी कम है, साउथ और सूरज की दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, क्या मैं ये कह सकती हूँ, ये जो दूरी है यही पृथ्वी की सतह से सूर्य की ऊंचाई है? क्या मैं ये कह सकती हूँ, जो ये दूरी है यही पृथ्वी की सतह से सूर्य की ऊंचाई है? अब आप सोचोगे कि ये तो ठीक है दूरी, लेकिन पृथ्वी की सतह से सूरज हमारा तो ऊपर उग रहा है, यहाँ तो सूरज साइड में। अगर आप ऐसे देख रहे हो तो सूरज साइड में दिख रहा है, और हम देखें तो हमें तो सूरज ऊपर दिखता है सतह पे। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, जो पृथ्वी की सतह से सूर्य की दूरी है
वही पृथ्वी की सतह से सूर्य की ऊंचाई है। यस यस, देखिए जब आप धरती पे खड़े हो, हम खड़े हैं, मान लो आप खड़े हो, यहाँ खड़े हो, तो आप ऐसे खड़े हो, ये रहा इंडिया। तो जब आप भारत में खड़े हो तो आप ऐसे ही तो खड़े हो, और अगर आप साउथ पोल पे खड़े हो तो आप ऐसे हो, उल्टे लटके हुए, है कि नहीं? है ना भाई? हम पृथ्वी की सतह पे जब खड़े होते तो 90 डिग्री एंगल बना के खड़े होते। आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो तो आप ऐसे खड़े हो, आप इंडिया में खड़े हो तो आप ऐसे खड़े हो, आप साउथ पोल पे खड़े हो तो आप ऐसे उल्टे लटके हुए, है कि नहीं? कभी ध्यान दिया? हम लोग धरती पे ऐसे ही खड़े हैं, जहां भी आप खड़े हो 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, ठीक? तो ये रहा अपना इंडिया। तो जब हम भारत में खड़े हैं, आप खड़े हो, ये खड़े हो, आप खड़े हो के हम सूरज को देख रहे हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे हो? यही तो देख रहे हो, इधर ही तो देख रहे हो सूरज की तरफ। जब हम पृथ्वी की सतह पे खड़े होके सूरज को देख रहे हैं तो एक्चुअल में आप किधर देख रहे हो? इधर ही तो देख रहे हो, इस दिशा में, है ना? तो मैं ये कह सकती हूं ये सूरज, ठीक है? तो जो दूरी है सूरज और पृथ्वी की सतह की, वही आसमान में सूरज की ऊंचाई है। मेरा पॉइंट ये है, क्लियर है? जिसे हम दूरी कह रहे हैं वो एक्चुअल में आसमान में सूर्य की ऊंचाई है। तो अब देखिए जून में क्या हो रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है, साउथ हेमिस्फीयर सूरज से दूर है, यानी जून के समय सूरज ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध के पास है और साउथ हेमिस्फीयर ज़्यादा सूरज से दूर है, ठीक है? और जब दिसंबर आएगा तो क्या हो रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज से दूर हो गया और ज़्यादा दूर हो गया, साउथ हेमिस्फीयर नॉर्थ की तुलना में पास में है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है? यानी हम ये कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से सूर्य की जो ऊंचाई है वो फिक्स नहीं है, वो बदलती है। जब गर्मी है, जून है, सूरज हमारे पास में है, दिसंबर है, तो उसकी ऊंचाई मतलब आसमान में सूरज और ऊंचा हो गया हमसे और ज़्यादा दूर हो गया। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक? तो अब देखिए, अब आते हैं, तो देखो पहला पॉइंट हमने देखा रिवॉल्यूशन की वजह से दिन रात छोटा बड़ा हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, आसमान में सूर्य की जो ऊंचाई है वो फिक्स नहीं है, वो बदल रही है परिक्रमण गति की वजह से। तो हो क्या रहा है, सर्दी और गर्मी, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सर्दी गर्मी। हम कह रहे हैं सर्दी और गर्मी, देखो सर्दी गर्मी क्या है, ओवरऑल हीट ज़्यादा है तो हम कहेंगे समर, ओवरऑल हीट कम है तो हम कहेंगे विंटर। तो जून का पोजीशन जब बन रहा है तो हो क्या रहा है, पूरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो रहा है, ठीक? दिन बड़ा यानी ज़्यादा धूप आएगी। सेकंड पॉइंट, नॉर्थ हेमिस्फीयर सूरज की दूरी कम है तो हीट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो नॉर्थ और ज़्यादा गर्म हो गया, ठीक है? इसीलिए पूरे नॉर्थ में क्या हो गया, समर। साउथ में क्या हो रहा है, एक तो दिन छोटा, ऊपर से पृथ्वी और सूरज की दूरी भी कम हो गई, दूरी बढ़ गई, तो हीट इंटेंसिटी और ज्यादा कम हो गई, इसीलिए पूरे दक्षिण में क्या हो गई, सर्दी। जब धरती ओपोजिट पार्ट पे आती है, अब क्या हो रहा है, दिन बड़ा कहाँ हो रहा है, साउथ में। सूरज की किरण सीधी कहाँ गिर रही है, साउथ में। नॉर्थ की तुलना में साउथ की दूरी कम है, इस वजह से हीट इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ हो गई, साउथ में। तो पूरे दक्षिण में गर्मी हो गई और पूरे उत्तर में सर्दी हो गई। तो ये चीज़ क्लियर है, सर्दी और गर्मी। तो समर और विंटर किस वजह से होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से। इज इट क्लियर, प्लीज़ आंसर, इज इट क्लियर?
तो आप लिख लीजिए पृथ्वी की धुरी। यस बेटा, कुछ दिन में ऐप चल जाएगा, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, बेटा सुबह आपकी क्लास हुई थी साइंस की, तो क्या सुशांत सर ने आपको ये बोला है कि अमर सर को कोरोना हो गया है? प्लीज आंसर बच्चों। सुबह जब क्लास हुई थी साइंस की, तो क्या सुशांत सर ने आपको ये कहा था कि अमर सर को कोरोना हो गया है? प्लीज रिप्लाई। अच्छा, सर बोला था कि बीमार हुए हैं। ओके ओके, ठीक ओके ओके, ठीक किसी का नाम नहीं लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो दोपहर का मतलब क्या है? सूरज सीधा हमारे सर पे है, ठीक है? यही होता ना, दोपहर का मतलब सूरज सीधा हमारे दोपहर का मतलब होता है सूरज सीधा सर पर है, ठीक है? तो एक बात बताइए, दोपहर तो सर्दी में भी होती है, दोपहर गर्मी में भी होती है, लेकिन जून की दोपहर तो हमें बहुत तेज लगती है, गर्मी लगती है, और सर्दी की दोपहर का हमें पता ही नहीं चलता। अब आपको समझ में आया ऐसा क्यों? दोपहर का मतलब तो सूरज सीधा सर पे ही है, क्लियर? लेकिन क्या हो रहा है, जून में सूरज हमारे पास में है, तो दोपहर में जब 12 बजती है तो 12 बज जाती है, इतनी तेज धूप पड़ती है कि नहीं? लेकिन सर्दी में जब दोपहर होती है, 12 बजते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, इतनी तेज धूप नहीं होती। कारण क्या है? आसमान में जो सूरज है तो वो सीधा हमारे ऊपर, सूरज की किरण सीधी आ रही, लेकिन वो आसमान में हमसे दूर चला गया है, इसीलिए सर्दी में हमें पता नहीं चलता कि दोपहर हो गई है। ये चीज़ क्लियर है? तो टाइम हो रहा है, आप जल्दी से सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। पॉइंट्स लिख लीजिए, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, परिक्रमण गति का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। परिक्रमण गति का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट। अब आप बताइए, आप लोग बताइए क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। मैंने सारा डिस्कस कर लिया, अब आप मुझे बताओ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, परिक्रमण गति के क्या क्या प्रभाव हैं, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, परिक्रमण गति का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन।
परिक्रमण गति का प्रभाव. यस प्लीज टेल मी, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आप मुझे बताइए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन. यस यस विष्णु, आपने क्वेश्चन पूछा मकर रेखा पे तो सीधा होता है, तो वहाँ गर्मी होती है, यही तो मैं समझा रही हूँ. दक्षिण में, साउथ में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जो नॉर्थ में होगा उसका उल्टा साउथ में होता है. यस एक तो पॉइंट हो गया ऋतु बदलना, मोशन का बदलना. हिमांशु ये क्या पॉइंट, मैं कैन यू इलेबोरेट मोशन का बदलना. यस क्लाइमेट चेंज, सीजन चेंज होता है, लॉन्ग डे एंड नाइट, छोटा बड़ा होना. शानु टाइड्स रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं होता, रोटेशन की वजह से होता है, पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था. यस पीयूष योर पॉइंट इज करेक्ट, हाइट ऑफ सन फ्रॉम अर्थ सरफेस, डे एंड नाइट. शिवम डे एंड नाइट का ड्यूरेशन अलग होता है, वेरी गुड. सिक्स मंथ डे इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. यस नेहा योर आंसर इज करेक्ट. तो अब इन सब पॉइंट को समेट करके हम थ्री पॉइंट्स में लिख लेते हैं. लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, देखो दिन और रात का होना किस वजह से होता है, रोटेशन. लेकिन दिन और रात का छोटा और बड़ा होना किस वजह से होता है, रिवॉल्यूशन. तो लिख लीजिए चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर होता है. नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन द एल्टीट्यूड ऑफ सन फ्रॉम अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से सूर्य की ऊंचाई में परिवर्तन होता है. परिवर्तन होता है, पृथ्वी की सतह से सूर्य की ऊंचाई में परिवर्तन होता है. और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, दिन बड़ा सूरज पास में तो गर्मी, दिन छोटा सूरज दूर तो सर्दी. तो पॉइंट लिखिए चेंज इन सीजन, ऋतु में परिवर्तन होता है. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बच्चों ने लिखा क्लाइमेट चेंज होता है, तो बच्चों क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट चीज़ अलग है, सीज़न चीज़ अलग है, ठीक है. क्लाइमेट और क्लाइमेट क्या होता है, किसी एक स्थान का क्या टेम्परेचर है, क्या रेनफॉल है पिछले 40-50 सालों में, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लार्ज एरिया, उसको उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं. जैसे कहते हैं राजस्थान का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है, गर्म और सूखा, मतलब वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश कम रहती है. तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सर्दी नहीं पड़ती, सर्दी होती है. इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ बारिश नहीं होती है, लेकिन बहुत कम होती है. तो आप क्या कहोगे, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई. क्लाइमेट चेंज होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हजारों साल निकल जाएगा तब क्लाइमेट बदलेगा. तो क्लाइमेट चीज़ अलग है, सीज़न चीज़ अलग है. इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एटमॉस्फेयर करेंगे. आपके ऑप्शन में चेंज इन सीज़न और चेंज इन क्लाइमेट है,
तो क्लाइमेट ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा? चेंज इन सीजन। क्लियर है? अच्छा मौसम, ओके 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 हिमांशु, मौसम, यस। ठीक है, वेदर चीज अलग है, वेदर डे टू डे का चेंज होता है। आप कहते हो आज तो वेदर मौसम बहुत अच्छा है, आज तो बारिश वाला मौसम है, रेनी सी क्या, आज सुहाना मौसम हो रहा है। वेदर होता है डे टू डे पर, ठीक है। वेदर हर दिन चेंज होता है, हर समय चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होगा हजारों सालों में। क्लाइमेट और सीजन जो होता है आपको पता ही है, छः छः महीने पे सीजन बदलता है। तो इज इट क्लियर? अभी तक जो पॉइंट क्लियर, जो भी समझाया वो चीज़ क्लियर है? बस एक पॉइंट देखो बच्चों, टाइम हो गया, लेकिन एक पॉइंट आप और समझ लीजिए। देखिए, जब मैंने आपसे कहा 21 जून सूरज की किरण सीधी कर्क रेखा पे पड़ रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन है, मैंने आपसे ये भी कहा नॉर्थ पोल पर 6 महीने लगातार दिन रहता है, तो एक्चुअल में सिचुएशन कैसे, पोल से आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है? तो देखिए, जब हम सीधी किरण की बात कर रहे हैं तो सीधी किरण कोई एक तो नहीं होगी, ये तो पूरा बेल्ट होगा। तो नॉर्थ में कहाँ तक जा रही है? कर्क रेखा तक, ठीक। लेकिन इक्वेटर पे सूरज की किरण हमेशा सीधी रहती है कर्क रेखा तक, और जब ये किरणें इधर आ गई तो इक्वेटर से नीचे तक मकर रेखा तक सूरज की किरणें सीधी हैं। तो याद रखिएगा, इक्वेटर पे पूरे साल सूरज की किरण सीधी रहती है, ये पूरी एक बेल्ट है, ठीक है। तो जब मैं कर्क रेखा बोल रही हूँ तो कर्क रेखा से इक्वेटर तक सूरज की किरणें सीधी है, जब हम मकर रेखा बोल रहे हैं तो इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न तक सूरज की किरणें सीधी है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पृथ्वी के किस स्थान पर पूरे साल सूरज की किरण सीधी गिरती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? इक्वेटर। इक्वेटर पे पूरे साल सूरज की किरणें सीधी रहती है। ये कम ज़्यादा कहाँ हो रहा है? नॉर्थ में और साउथ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में। क्लियर है? तो अब देखो, 21 जून सबसे बड़ा दिन है, लेकिन इक्वेटर पे क्या है? पूरे साल 12 घंटे दिन 12 घंटे रात रहती है, पूरे साल दिन और रात बराबर रहता है। तो सिचुएशन देखो क्या हो रहा है, इक्वेटर पे 12 घंटे का दिन, थोड़ा और उत्तर में चले 13 घंटे का दिन, थोड़ा और उत्तर में चले 14 घंटे का दिन। सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून को। अपने यहाँ इंडिया में 21 जून जब सबसे बड़ा दिन होता है तो मैक्सिमम कितना बड़ा होगा भाई? 14 घंटे का। ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ कि आपको 20 घंटे सूरज दिख रहा है, नहीं, मैक्सिमम टाइम कितना? 14 घंटे, 14 आवर्स 21 जून को। अब इंडिया से थोड़ा और उत्तर में चलिए, हम पहुँच गए अफगानिस्तान, तो वहाँ 16 घंटे का दिन होगा। कब? 21 जून सबसे बड़ा दिन। और उत्तर में चले, चाइना आ गया, यहाँ सबसे बड़ा दिन है कितने घंटे का? 18 घंटे का। और उत्तर में चलिए, 20 घंटे का दिन, रशिया में आ गए, ठीक है, 20 घंटे का दिन, वहाँ यही होता है 20 घंटे का दिन है और 4 घंटे की रात। और रशिया में आप और उत्तर में चलिए, एग्जैक्ट 24 घंटे का दिन, रात होगी नहीं, ठीक है। 21 जून मतलब पूरे 21 जून को वहाँ पे सूरज दिखेगा, ठीक है। और ऊपर चले, दो दिन का एक दिन, 15 दिन का एक दिन, और ऊपर चले एक महीने का एक दिन, नॉर्थ पोल पे आते आते 6 महीने का एक दिन। उसी तरह से साउथ में चलेंगे, 12 घंटे की रात, 13 घंटे की रात, 14 घंटे की रात, 24 घंटे की रात, साउथ पोल पे जाते जाते 6 महीने की एक रात। ऐसा होता है, मतलब जैसे जैसे हम उत्तर में जा रहे हैं दिन बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे दक्षिण में जा रहे हैं दिन बड़ा हो रहा है। इक्वेटर पे पूरे साल 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है। ये चीज़ क्लियर है? अब रशिया में कभी आप घूमने जाओगे तो वहाँ यही होता है, गर्मी में अगर चले गए तो वहाँ देखोगे 20 घंटे तो सूरज दिख रहा है, सिर्फ 3 या 4 घंटे सोने को मिल रहा है, और सर्दी में उल्टा हो जाएगा,
3 घंटे सूरज दिखेगा और बाकी 20 घंटे रात रहती है वहां पर, सर्दी में ऐसा होता है रशिया में, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ऐसे आया है कि 21 जून के दिन, जब सबसे बड़ा दिन है 21 जून के दिन, कौन सी अक्षांश रेखा होगी जहाँ पे एग्जैक्टली 24 घंटे का दिन होगा, 24 घंटे से ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्ट 24 घंटे का दिन किस अक्षांश रेखा पर होगा, एग्जैक्ट 24 आवर्स का दिन किस लैटिट्यूड लाइन पे होगा। कैन यू आंसर, सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, किस अक्षांश 21 जून के दिन जब सबसे बड़ा दिन है, एग्जैक्ट 24 घंटे का दिन कौन सी लैटिट्यूड लाइन पर होगा। यस, दिन में तारे क्यों दिखते, तारे तो दिन में भी रहते हैं रात में भी रहते हैं, दिन में सूरज की लाइट ज्यादा इसलिए कम दिखते हैं, रात में नहीं होते इसलिए दिखते हैं, वो तो वही है। कैंसर पे डेविल, 0 डिग्री क्यों होगा बेटा, 0 डिग्रीज इक्वेटर, इक्वेटर पे तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात है, 90 डिग्री पोल है वहां तो पूरे 6 महीने का दिन है। यस शिवम, योर आंसर इज करेक्ट, इट इज 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, दैट इज आर्कटिक सर्कल लाइन। सिर्फ एक बच्चे ने, शिवम ने आंसर करेक्ट दिया, 66.5 डिग्री, ठीक है, आर्कटिक सर्कल। ये मैंने जब लेक्चर शुरू किया था आपको इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन्स बताई थी, इन लाइन्स का रिलेशन इसी से है। और ऐसा क्यों है, फिर से देखो, धरती ये अगर सीधी होती तो ऐसे है, 23.5 डिग्री आप धरती को जब झुकाओगे तो कौन से लैटिट्यूड लाइन पे पहुंचोगे, 90 में से 23.5 डिग्री माइनस करो, 66.5 पे पहुंच गए, यानी 21 जून के दिन ये पूरा हिस्सा एग्जैक्टली सूरज को दिखेगा। इस दिन 66 डिग्री लाइन पर एग्जैक्ट 24 घंटे का दिन होगा और उससे आगे का एरिया में दिन और बड़ा होता जाएगा, पोल पर जाते जाते 6 महीने का दिन हो जाएगा। आपने सुना है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किसको कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं। बस अमित क्लियर हो गई, क्लास ओवर हो गई है, बस लास्ट पॉइंट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं, लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहते हैं। यस यस डेविल, योर आंसर इज करेक्ट, दिस इज नॉर्वे, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। क्यों कहते हैं अब समझ में आया, नॉर्वे जो कंट्री है 66.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पर है। कभी घूमने जाओ नॉर्वे तो 21 जून को जाना, 21 जून को नॉर्वे में जाके खड़े हो जाओ, वहाँ जाकर के घड़ी देखो, एग्जैक्ट 24 घंटे आपको सूरज दिखेगा। इसीलिए मतलब घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं और सामने सूरज दिखाई दे रहा है, इसीलिए नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो आप सोचेंगे कि और ऊपर जा रहे हैं तो दिन तो हो, दिन रात का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, वहाँ तो 6-6 महीने दिन है। तो देखिए बेटा, नॉर्वे से अब 66 से ऊपर अगर हम जाते हैं, सूरज की किरण इतनी तिरछी हो गई है, इतनी कम हीट वहाँ पर है कि वहाँ पे बर्फ भी पिघल नहीं पाती है। आया समझ में, तो वहाँ जाते जाते ये चीज़ें, इसीलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर है तो वहाँ लाइफ नहीं है। नॉर्वे, इसीलिए नॉर्वे का नाम नॉर्वे है, नॉर्थ मोस्ट कंट्री, इससे ऊपर लाइफ नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज़ द, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन, दिन छोटा बड़ा क्यों होता है, नॉर्थ पोल पे क्या होता है, साउथ पोल पे क्या होता है, रशिया में क्या सिचुएशन बनती है, इज इट क्लियर। तो यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, मूवमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ।
यस, वेरी गुड डेविल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर 21 जून को नॉर्वे में 24 घंटे का दिन है, तो 22 दिसंबर को 24 घंटे की रात होगी। अब आपको ये समझ में आया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप खुद आंसर पे पहुंच जाओगे। कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, यू विल बी एबल टू आंसर। इज इट क्लियर? द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ओके, ठीक है, रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों। ओके।